ये जो आपकी सर्जरी करनी है पेशेंट की, इसमें हमने लंबोसेक्टर स्पाइन में डिस्क डाल दी है एक नई, इस पे इस लेवल पे। इनका मसला ये है कि इनके जो ये वाला लेवल है ना, ये डिस्क इनकी खत्म हो गई है नीचे वाली, जिसकी वजह से मुरे आपस में रगड़ खा रहे हैं। यहाँ पे नई डिस्क डालनी है, दो स्क्रू यहाँ पे लगेंगे, दो स्क्रू यहाँ पे लगेंगे, और इसको हमने फिक्स कर देना है सारी उम्र के लिए। ये पक्का काम करना है कि मरीज को आपके आगे जिंदगी भर तंग ना हो, ठीक है। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि मरीज की रिकवरी कितनी देर बाद होगी, बेहोशी से आउट होते होते पूरी तरह, और एक दफा मरीज को हम स्टैंडर्ड हमारा है कि मरीज बेहोशी से आउट होता है उसको हम खाना खिलाते हैं, इट टेक्स अराउंड 4 to 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद हम मरीज से कहते हैं कि जनाब अब आप उठें और चलें, 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे के बाद मरीज पैरों पर खड़ा होता है, 24 घंटे बाद हम मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं, 2 हफ्ते बाद टांके निकल जाते हैं। अच्छा, जो भी इलाज होता है वो लाइफ टाइम, फिर ये जो आप कह रहे हैं स्कूल वगैरह ये सब के बाद में प्रॉब्लम नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आपने रिजल्ट्स देने होते हैं। ऑपरेट वगैरह आप इधर ही करते हैं? जी, ऑपरेट मैं इधर ही करता हूँ।